हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्लॉग। और आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और जो मैंने कल जहाँ से ब्लॉग एंडिंग किया है वहीं से शुरू किया है मैंने। और ये मैंने चावल चढ़ाया है जो बन चुका है, दाल तो मेरा बन चुका है। अब मैं दाल में लहसुन का तड़का लगा रही हूँ। और ये देखिए मैंने जीरा लिया है और लाल वाली मिर्च, जो अच्छे से इसको भूनकर और इसी दाल में डालेंगे, जो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे दाल खाओ अच्छा लगता है, रोज़ तो नहीं बनाती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ। और ये भगोने में कर रही हूँ तो बार बार हमको सरसों से हिलाना पड़ रहा है, नहीं तो ये जल जाएगा। फिर जल जाएगा तो जलने का फ्लेवर नहीं अच्छा आएगा। और कभी कभी इसी तरह भून लेते हैं मसाला, जब जीरा मिर्चा भूनना होता है तो। आप लोग भी खाते ही होंगे इस तरह दाल, और जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है हमको तो। जब सादा खाना हो ना तो फिर इस तरह भून के बनाओ, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये अरब के पापा बैठे हुए हैं और ये आए हैं ज़मीन पर से, और ये मैंने भून कर डाल दिया इसमें पीस कर। और ये अरब के लिए दाल मैंने निकाल दिया पहले से, और फिर तब ये मिर्चा वाला मैंने डाला है। और चावल मेरा बन ही चुका है, और फिर इसके साथ दाल चावल चोखे के साथ मैंने सोचा पापड़ तल दें, ज़्यादा सादा सादा खाना है। सादा खाने के साथ पापड़ ओपड़ अच्छा लगता है। सलाद तो था नहीं खीरा वीरा, तो फिर मैंने सलाद रहने दिया। और आरा के पापा को पहले खाना निकाल के मैंने दे दिया, क्योंकि उनको जाना भी था प्लस्तर जहाँ हो रहा है नए घर पर। और चावल मैंने कम ही बनाया था क्योंकि रात को चावल बासी बच गया था, फिर मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा है कि खुद खा लो। और मैंने ये कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। आरब के पापा का खाना रेडी हो गया, और ये दाल चावल ही पापड़ के साथ खा लिए, कह रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लगता है। और मैंने ये चावल को मेथी दाने से ही तड़का लगाया है, बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसे भी खाना चाहिए। और दाल चावल चोखा मेथी वाला बहुत है। और इनको हम खाना चावल ज़्यादा दे दिए थे, फिर ये निकाल दिए, कहते हैं चावल तुम हमको ज़्यादा दे देती हो, पर ये चावल ज़्यादा खाते नहीं हैं। और ये चोखा इन्होंने बचा लिया। और ये अरब सोया है, और फिर मैं भी खाना खा लूँ जल्दी से, फिर अरब उठेगा तो उसको दाल चावल दूँगी। और ये 1:15 हो रहा है, जब संडे के दिन इनके रहते हुए 1:15 पे हम लोग खाना खा लेते हैं 1 बजे तक। और ये देखिए पानी तो आ नहीं रहा है, तो फिर नीचे से पानी भर भर के लाना पड़ रहा है। तो फिर ये आलू तो बच गया, क्योंकि अरब के पापा ज़्यादा चोखा खाते नहीं हैं। और अरब अब उठ गया है, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको खाना खिला के तब बर्तन धुलते हैं साथ में ही। और अरब उठ भी गया था 10-15 मिनट में ही, 1:30 बजे तक, क्योंकि 11 बजे सोया था ना अरब। तो फिर अब इसको खाना खिलाएंगे, 1 घंटा तो खाना खाने में इसको लग ही जाएगा, ऐसा ही करता है, पता नहीं क्यों अपना मुंह बंद कर रहा है। और अरब यहाँ पे पॉटी कर रहा है, तब तक हम सोचते हैं कि अपना बर्तन धुल लें। सोचते क्या है, धुलते हैं बर्तन। और पानी भी नीचे से ला के मैंने भर के रखा हुआ था, नीचे सप्लाई का पानी आता है ना, जो मोटर वोटर नहीं चलता, अपने मन से ही पानी आता है। और ये टब में पानी ला के भरे हुए हैं। बस ये है कि जब पानी नहीं आता है तो परेशानी हमको होता है कि छत पे चढ़ाना रहता है, नीचे रहता तो नहीं परेशानी होता, छत पे ला के तब काम करो तो वो ज़्यादा होता। ऊपर से अरब भी आज 3-4 बार पॉटी भी कर दिया, तो फिर उसके लिए पानी चाहिए ना, फिर लाना पड़ रहा। अरब के पापा तो वहाँ चले गए थे अपना ज़मीन पर। और ये देखिए मेरा पूरा बर्तन धुल गया है। अब मैंने रात का वीडियो कोई भी नहीं बनाया है, क्योंकि पानी ला के काम करना पड़ा तो वीडियो क्या बनाएंगे। और ये मंडे की सुबह है, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और पानी अभी भी नहीं चढ़ा छत पर, तो फिर मैंने जो पानी रात का बचा था फिर मैंने उसी से बर्तन धुला है, बाकी पानी अरब के पापा ने ला के दिया है। और ये जो पानी ला है उसी से हम नहा लिए हैं, और फिर क्या करें, नहाना भी, गर्मी इतनी है और फिर पूजा भी करना ज़रूरी भी है, तो पानी एक ही बाल्टी में नहा लिए। और मोटर पे पानी चढ़ ही नहीं रहा है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अब जा रहे हैं नाश्ता पानी बनाने के लिए, अरब सो के, और गर्मियों के टाइम पे यहीं पे कपड़ा डाल दे रहे हैं सब, क्योंकि छत पे डाल रहे हैं तो कपड़ा इधर उधर उड़ जा रहा है। और अरब भी सो के उठ चुका है, ये क्या अपने पापा के मोबाइल पे कार्टून दिख रहा है। अरब अरब हाय बोल दो, हाय
बोलो हाय बोल दो, हाय बोल दो, नहीं बोलेगा। और ये देखिए मैंने रात भर राजमा को भिगोने रख दिया था, अब सुबह और इसको हल्दी नमक और हींग डालकर उबलने के लिए रख देंगे। और मीठा सोडा भी मैंने डाला है जो जल्दी से गल जाता है, राजमा गलता नहीं है जल्दी से। और फिर मैंने रात को भी कल सादा खाना बना दिया था, दाल चावल सरपुतिया का भुजिया, आलू जो बचा था उसका टिक्की बना दिया था। और मैंने जब तक उबलने के लिए रखा तब तक मैंने मसाला पीसा, प्याज चॉप किया, प्याज चॉप करने के बाद फिर मैंने सरसों तेल में प्याज डाल करके मसाला भून लिया है। और जो मैंने राजमा उबाला था इसको डाल के दो स्टीम लगा देते हैं यानी सीटी। और फिर मैंने आटा गूंथा, गूंथ कर जल्दी से रोटी मैंने बनाया। और ये इधर आरब खेल रहा है किचन से वाइपर उठाकर, इसको इस खिड़की में मज़ा आता है, इधर से ट्रेन दिखता है ना इसको, और ये खेलता रहेगा ट्रेन देखता रहेगा। और आरब के पापा अब तो नाश्ता वास्ता करके चले गए क्योंकि वो लेट से आए हैं ज़मीन पे से, और इनको क्लिनिक जाना था, देरी हो रहा था। फिर इनको मैंने नाश्ता दिया, तुरंत ये चले गए। और फिर इनके जाने के बाद मैंने ये सब पानी भरा, बट बोरिन में पानी नहीं आ रहा, टंकी में पानी चल ही नहीं रहा है। और ये सब हम भर के लाए हैं। आरव भी नीचे से नहा चुका है, अपना नाश्ता भी कर चुका। आरव नहा लिए तो? और ये मेरा नाश्ता, देखिए राजमा, और ये आरव का दलिया जो खा कर छोड़ दिया है, और रोटी इधर ये चल रहा है। वाइपर लेकर ये देखिए किसमें खोस रहा है इसका, यही इसके वजह से ये चौकी इधर घिसकाना पड़ा। देखो इतना ये मेरा बेटा बुद्धी वाला है। क्या कर रहे हो हा? और आइए आप लोग भी खा लीजिए राजमा रोटी, और दलिया तो नहीं खाइए, आरव का छुट्टा है। और अभी कपड़ा नीचे भिगो दिए हैं आरव के पापा का, आरव का चद्दर वदर था बट नीचे पानी आ रहा है, छत पे टंकी में नहीं चल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो रही है हमको क्योंकि बार बार से नीचे आरव के पापा भी नहाए नीचे जाकर, और हमको बाल्टी में पानी लाकर वही दिए, हम तब नहाए, आरव को नीचे ले जाकर ही नहवा दिए। अब कपड़ा भी धुलेंगे नीचे जाकर, अब पानी तो मैंने आरव के पापा गए तुरंत मैंने भर लिया क्योंकि नीचे भी नहीं आता है पानी, टाइम टाइम से आता है पानी नीचे वाला, तो फिर मैंने अपना पानी भर लिया। अब हो सके आज पानी ना आए तो फिर इसीलिए भर के रखना पड़ा। और ये सब पानी रखे हैं ये काली वाली बाल्टी में रात का खाना पीना बनाने के लिए, और वो सब रखे हैं पानी, तो बर्तन वर्तन धुल लेंगे। इस समय तो बस आरब का खिचड़ी बनाएंगे, और मेरा तो राजमा बना हुआ है, चावल तो रोटी के साथ ही खा लेंगे, चावल रहने देंगे। और आरब का बस पतला मूंग का खिचड़ी बना देंगे, उसको वही खिलाएंगे, दलिया तो मैंने खिला दिया है, अब ये सोएगा, तो जब ये सोएगा तब मैं कपड़ा धुल लूँगी। और यहीं पे वीडियो का एंडिंग करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।